अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद दवान और आप देख रहे हैं एएसए टीवी। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच है और T20 वर्ल्ड कप में टकरा है, तो यहां पे कुछ शायकीन क्रिकेटर हैं जो कि अभी खेल भी रहे हैं और क्रिकेट लवर हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आज का ये मैच कौन विन करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर आपका नाम? अकबर नईम। अकबर नईम भाई, मुझे बताएं कि आप रेगुलर खेलते हैं या संडे के संडे? हम संडे के संडे। ठीक है, तो अभी तक कितने मैचेस खेल लिए हैं? अभी हमारा ये फिफ्थ मैच है। ठीक है, मैच चल रहा है। तो विन किया या बस इक्वल जा रहे हैं? अभी इक्वल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलता थोड़ा बहुत। और आज बहुत बड़ा टकरा है पाकिस्तान हिंदुस्तान का T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो आपकी नज़र में ये मैच कौन विन करेगा? विन का तो अभी कोई कह नहीं सकते हैं, स्टार्ट मैच है, आई थिंक इंडिया का चांस बनते हैं, वैसे इंडिया के बनते, लेकिन हम भी टफ टाइम देंगे। हाँ, हम क्रिकेट लवर हैं, हम हर किरदार भी होते हैं, नहीं इंडिया के चांस बनते हैं। दूसरा, लेकिन क्योंकि अभी हमारे तक अभी तक जो बैटिंग ऑर्डर है वो नहीं सीधा हुआ हमारा, तो सबसे बड़ी बात है, तो बैटिंग ऑर्डर से मार खाएंगे, लेकिन शाहीन शाह, बाबर आजम अगर चलता है तो वेल एंड गुड, तो बाकी बेहतर है, उम्मीद है पाकिस्तान जीते, कुछ दुआ तो हमारी यही होगी, लेकिन उम्मीद नहीं है वैसे। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा, जो कि कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ये पैगाम भिजवाया कि अगर एशिया का पाकिस्तान में होता तो हम पाकिस्तान में आके नहीं खेलेंगे, उसके बदले में रमीज राजा साहब ने ये पैगाम भेजा कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी किसी ICC इवेंट में हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो क्या आप कहते हैं कि ये डिसीजन अच्छा है या हमें खेलना चाहिए? नहीं, खेलने की बात नहीं है, वो तो पहले नहीं हमें खिलाते, IPL में तो उन्होंने वैसे हमें दूर किया हुआ, साफ जो बात है। यहाँ पे आने की बात है, अगर वो एशिया में नहीं आते तो फिर ICC अगर दूसरे हमारे मैचेस करते फिर उनको उसमें भी नहीं आना चाहिए, फिर उसमें वो लाजमी आएंगे, लेकिन फिर चले अपनी बात है उनकी, लेकिन फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि वो हमें नहीं खिलाएंगे अपने वहाँ पे, अगर नहीं खिलाएंगे ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे। हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। शुक्रिया।